गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए छिड़काव का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके संबंध में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि गांव में सैनिटाइजेशन के लिए पंचायती राज विभाग के 3052 कर्मचारी, सचिव, ADO और DPRO छिड़काव कार्य में लगे हुए हैं और हर गाँव में पहले चरण में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया है और दूसरे राउंड में छिड़काव का कार्य चल रहा है। DPRO ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो वह DPRO के फेसबुक पेज पर या ट्विटर पर अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है। इसके अलावा 4 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिस पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबरों में 9450197801, दूसरा 9455058288, तीसरा 9565039492 और चौथा नंबर 8756429205 है। DPRO ने कहा कि इसके अलावा कोई भी व्यक्ति ब्लॉग पर भी सूचना देकर अपने क्षेत्र में सैनिटाइजर करा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जब से कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है तब से लगातार छिड़काव का कार्य चल रहा है। इसमें पंचायती राज विभाग के 3052 स्टाफ, सचिव, ADO, जिले पर उपस्थित सभी DPC और DPRO स्वयं लगे हुए हैं और लगभग हर गांव में 9000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइट का प्रयोग करके अभी एक राउंड का छिड़काव कर दिया गया है, दूसरे राउंड का छिड़काव चल रहा है। अगर किसी भी गांव में अभी भी किसी का कोई छिड़काव की समस्या हो तो वो DPRO गोरखपुर के फेसबुक पेज पर अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है या DPRO गोरखपुर के नाम से जो ट्विटर पेज है, ट्विटर हैंडलर है, उस पर भी अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या इसके अलावा 4 मोबाइल नंबर हम लोग ने जारी किया है, 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इन 4 हेल्पलाइन नंबर में से किसी पर भी ये फ़ोन करके सोडियम हाइपोक्लोराइट के छिड़काव की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये है 9450197801। पहला नंबर फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 9450197801। दूसरा नंबर है 9455058828। दूसरा नंबर है 9455058828। इसके अलावा 2 और नंबर है, तीसरा नंबर है 9565039492। तीसरे नंबर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, 9565039492। इसके अलावा जिले पर जो कंट्रोल रूम है उसका 4th नंबर है 8756429205। नंबर 4th नंबर फिर से हम रिपीट कर रहे हैं 8756429205। ये 4 जिले के नंबर है, जिले के कर्मचारियों के नंबर है, जो कि कंट्रोल रूम जो बनाया गया उसके स्टाफ का नंबर है। इसके अलावा ब्लॉक पर सभी ADOs के भी नंबर है, आप किसी भी ADOs को कॉल करके कभी भी छिड़काव कराने की आवश्यकता हो आप उनको बता सकते हैं। आपके घर में, आपके उसके आसपास है, जहाँ भी गांव में जहाँ भी छिड़काव कराना है वहाँ बहुत 1 या 2 दिन के अंतर्गत ही वहाँ तुरंत छिड़काव करवा दिया जाए।